दोस्तों, क्या आप रोज़ रोज़ बच्चों की कॉपीज़ ढो ढोकर और अपने कंधों पर वज़न डालने से परेशान हो गए हैं? इस दर्द से राहत पाने के लिए आज हम आपके साथ मिस्टर मैडम का सुझाया एक ऐसा तरीका साझा करने जा रहे हैं जो आपको इस बोझ से बहुत हद तक छुटकारा दिला सकता है और साथ ही आप बच्चों के काम का आंकलन आसानी से कर पाएंगे। इस कारगर औजार को मिस्टर मैडम कार्यपत्रिका कहती हैं। CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम सतत और व्यापक आंकलन के नाम से भी जानते हैं, उसमें हम देखते हैं कि बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार दी गई कार्यपत्रिका बच्चों के सीखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। इस कार्यपत्रिका का अहम उद्देश्य है बच्चों का काम बस किसी डेटा के रूप में ही प्रस्तुत नहीं करना, पर बच्चों के सीखने या यूँ कहें कि उनकी समझ पर शिक्षक को एक व्यापक दृष्टि देना। तो चलिए देखते हैं कार्यपत्रिका के कुछ नमूने। शुरुआत में वर्कशीट बनाते वक्त मुझसे कुछ गलतियां भी हुईं। आइए एक नज़र उन गलतियों पर डालते हैं, शायद आपको इससे कुछ मदद मिले। वर्कशीट बनाते समय आप अपनी लिखावट, निर्देशों में स्पष्टता और सरल भाषा का खास ध्यान देना एक ज़रूरी बात है। जाहिर सी बात है, अगर इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद ही बच्चे वर्कशीट पर काम कर पाएंगे। अक्सर पहली या दूसरी कक्षा में मैं बच्चों को कार्यपत्रिका में लिखने के लिए बहुत कम जगह दिया करती थी और ज़्यादातर छोटे बच्चे बड़ा बड़ा लिखते थे। कम जगह होने की वजह से वो अपनी बात ठीक से नहीं लिख पाते थे, और जब किसी आकार में रंग भरने को दिया जाता था तो मैं देखती थी कि छोटे बच्चे बहुत जटिल आकारों में रंग भरने में थोड़े असहज महसूस करते थे। तब से मैं रंग भरने के लिए उन्हें बड़े आकारों वाली आकृति देने लगी। वर्कशीट बनाने से पहले और भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि क्या आपके स्कूल में फोटोकॉपी या प्रिंट करने की सुविधा है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या कार्बन पेपर है, जिससे कि आप एक वर्कशीट हाथ से बना लें और बाकी को कार्बन पेपर की मदद से बना पाएं। हर एक विषयों की अपनी एक प्रकृति होती है, उनके अनुसार कार्यपत्रिका के इस्तेमाल को समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, गणित में गुणा या भाग सिखाने के लिए शिक्षक कुछ अंकों में फेर बदल कर बच्चों को हल करने के लिए दे सकते हैं। वहीं ज़रूरी नहीं कि हिंदी का पाठ पढ़ाने के बाद शिक्षक किसी कार्यपत्रिका का निर्माण करें, वो बच्चों की समझ को परखने के लिए उनसे कहानी पर एक नाटक भी करवा सकते हैं। ऐसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता और समझ तो केवल हम शिक्षकों के पास ही होती है। क्योंकि कक्षा में सभी बच्चों की सीखने की गति एक समान नहीं होती, इसलिए कार्यपत्रिका बनाने के समय इस बात का ध्यान जरूर रहे। रोजाना पत्रिका दी जाए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं, और एक कार्यपत्रिका अगले दिन भी जारी की जा सकती है, बशर्त कि बच्चों की रुचि उसमें बरकरार रहे। एक अहम बात और है कि कार्यपत्रिका के प्रश्न बच्चों को सोचने को मजबूर करते हों और ना केवल छात्रों द्वारा याद की गई जानकारी को नापते हों। अक्सर हम वर्कशीट को पढ़ाए गए पाठ के अंत में ही इस्तेमाल करते हैं, पर वर्कशीट का उपयोग किसी भी पाठ पढ़ाने के पहले, पाठ पढ़ाने के दौरान और पाठ पढ़ाने के बाद भी बच्चों को दी जा सकती है। तो क्या आप तैयार हैं कार्यपत्रिका बनाने के लिए? इसके लिए आपको चाहिए एक A4 शीट प्रत्येक बच्चे के लिए, स्केल, पेन या पेंसिल। आइए देखते हैं एक नमूना। गणित के कालांश में, ज्योमेट्री में आकार की अवधारणा सिखाने से पहले मिस्टर मैडम ने जो कार्यपत्रिका का इस्तेमाल किया वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। कक्षा 2 में वर्ग, वृत्त और आयत सिखाने के लिए उन्होंने आसपास में उपलब्ध चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे कि खाली माचिस की डिब्बी, कोई मोटी किताब, रबड़ या स्केल, कटोरी, पानी की खाली बोतल आदि। बच्चों को 3 से 4 के उपसमूह में ये चीज़ें देकर उनको एक ग्राफ पेपर दिया। उन्होंने कहा कि सभी अपने ग्राफ पेपर पर ऊपर की तरफ अपना नाम लिख लें और एक एक करके दी गई चीज़ों को ग्राफ पेपर पर सफाई से छापें और निर्धारित रंग भी भरें। आइए एक नज़र पर्यावरण अध्ययन की क्लास में बनाई गई कार्यपत्रिका के नमूने पर भी डालें।
ये कार्यपत्रिका बच्चों को कीड़े मकोड़ों की अवधारणा को पढ़ाने के दौरान दी गई थी। इस अवधारणा को पढ़ाने के दौरान मिस्टर मैडम ने बच्चों को जोड़ों में चींटी और कुछ मकोड़ों के अवलोकन करने के साथ ही ये पत्रिका भी दे दी। यदि आसपास कीड़े मकोड़े ना हों तो आप बच्चों को उनके चित्र भी दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्राइमरी स्तर पर हिंदी की क्लास में पाठ पढ़ाने के बाद की दी गई कार्यपत्रिका कैसी दिखती है। आप ऐसे कई अलग अलग प्रश्नों का चयन कर सकते हैं जिससे कि आपको बच्चों की समझ परखने का मौका मिल सकेगा और आप बच्चों को रचनात्मक तरीके से सोचने को प्रेरित कर सकेंगे, जो ये भी बता सके कि पाठ से संबंधित शिक्षक और क्या क्या कर सकते हैं जो बच्चों के सीखने में मदद करेगा। तो है ना ये आसान? ये तो बस कुछ नमूने हैं। ऐसे कई नमूने आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, जब आप अपनी कक्षा के बच्चों के सीखने के स्तर अनुसार कार्यपत्रिका बनाएंगे तो आकलन की प्रक्रिया को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से आसानी से और सार्थक रूप से जोड़ पाएंगे। तो दोस्तों, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कार्यपत्रिका का इस्तेमाल ज़रूर करके देखें और इस टूलकिट से संबंधित अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें।